नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सागर पवार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाए। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो आज हम देखने वाले सफलता और असफलता किस पे निर्भर है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आप चाहते हो यानी कि वांट में हो, आपको चाहिए, जब आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है वो नीड, कि आपको हो चाहिए ही चाहिए। जब आप चाहिए बोलते हो यानी कि वांट बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसमें अनसक्सेस हो जाते हो। यानी कि वो क्या है, जैसे कि आप सोचेंगे कि मुझे पानी पीना है, ऐसे आप कहाँ पे बैठे हो और आपको पानी पीना है, तो आप इतना जोर नहीं देंगे कि मुझे पानी चाहिए। पर जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे, आप कहाँ से दौड़ते हुए आए, धूप से आए हो और अभी आपको बहुत ही ज़रूरत है कि अभी आपको पानी पीना ही पड़ेगा, और जब आपको चाहिए चाहिए होगा, पानी पीना ही पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, टाइम गंवाएंगे नहीं, जाएंगे और पहले पानी कहाँ मिलेगा वहाँ पे पानी पिएंगे। यानी कि जब आप सोचते हो कि पानी पीना है तो आप पानी की तरफ जाते नहीं, पर आप सोचते हो कि मुझे कुछ भी करके पानी चाहिए ही, तब आप उस पानी तक कैसे भी करके पहुंच सकते हैं। वैसे हमें वांट चाहिए सोचेंगे तो होता नहीं है, हमें चाहिए ही चाहिए होना चाहिए। जैसे कि हम कोई समझो कार ले रहे, आपके मन में आ गया कि मुझे कार लेना है, और सिर्फ सोच लिया आपने कि मुझे कार लेना है, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में कार आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। ऐसा सिर्फ आपने सोचा है ना कि मुझे कार लेना है, पर आप जब सोचते हो कि कार लेना है तो आप अनसक्सेस होते हो, क्योंकि आपकी वह प्यास नहीं है, आपने दिल से नहीं सोचा है कि मुझे कुछ भी करके लेना है, इसलिए आप यहाँ पे जो वांट पे होता है वो अनसक्सेस होता है। और जब आपकी वो नीड बन जाती है कि कुछ भी करके मुझे कार चाहिए ही चाहिए, यानी कि कुछ भी करके मैं कार लेना ही वाला हूँ, अब ऐसा जब आप सोचते हो तो आप सक्सेस में होते हैं। यानी कि नीड जब आपकी बन जाती है तो आप सक्सेस बन जाते हो, सफल बन जाते हो, कुछ भी करके आपकी कार आती है। जब आप वांट में होते हो कि मुझे सिर्फ कार चाहिए ऐसा आपने सोचा है, तो ये असंभव होता है, क्योंकि आप कभी तो ले लेंगे ऐसा सोचते हैं तो वहाँ पे उठ के काम नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में वर्क नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, इसकी वजह से क्या होता है, वो इम्पॉसिबल में, असंभव में चला जाता है। पर जब आपकी नीड होती है, वो चाहिए चाहिए होती है, तब आप क्या करते हैं, उसके लिए काम करते हो, उसके लिए उठते हो, एक्शन लेते हो, तब वो पॉसिबल हो जाती है, मुमकिन हो जाती है। तो जब आपकी नीड होगी तभी आपको वो पॉसिबल होगा, जब वांट होगा तो इम्पॉसिबल होगा। हम आगे चलते हैं। जब आपकी वांट होगा, ये सिर्फ चाहिए आपने सोचा होगा, तो सिर्फ इमेजिनेशन होता है, वो कल्पना होता है कि मेरी कार होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो इम्पॉसिबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कल्पना बन गया, आपकी इमेजिनेशन बन गया। जब आप नीड में चले जाते हो कि मुझे कुछ भी करके कार चाहिए, तो वो आप कुछ भी करके उसके पीछे लगते हो, काम करते हो, स्ट्रगल करते हो, और आपकी वो कार है वो रियलिटी में आ जाती है। यानी कि आपने क्या किया, उसको दिलो जान से चाहा, इसलिए वो क्या हो गई, नीड बन गई, और नीड बन गई तो आपकी वो रियलिटी में कार आ जाती है। तो वांट में जो होते हैं, तो आगे चलते हैं हम। वांट में जब आपको कार चाहिए बोलते हो तो आप निराश हो जाते हो, क्योंकि सिर्फ आपने बोला कि मुझे कार चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत नहीं की, आप अनसक्सेस हो गए, तो आप निराश हो जाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो कार आपकी आती नहीं। आपने 4 साल गवा दिए और 4 साल के बाद बोलते हो, 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे कार चाहिए पर अभी तक नहीं आई, तो क्या होता है, आप निराश हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। पर जब आपकी नीड बन जाती है कि मुझे कुछ भी करके कार चाहिए, तो आप हैप्पी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ भी करके आप क्या करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जो जो काम करना पड़ेगा वो काम आप करेंगे, और आपकी कार आ जाती है रियलिटी में, जब आ जाती है तो आप हैप्पी बन जाते हैं, इसलिए आपको नीड बनानी जरूरत है। आगे जाते हैं हम वांट। वांट में जब आप रहते हैं कि मुझे कार चाहिए ऐसा सोचते हैं सिर्फ, तो आप लूज़र होते हैं, हारे हुए रहते हैं, क्योंकि आप उतनी मेहनत नहीं करते, उतना जोर नहीं देते कि मुझे कार चाहिए, कभी ना कभी ज़िंदगी में आएगी ऐसे सोचते हैं, और ज़िंदगी चली जाती है पर कभी भी कार आती नहीं है, तो आप लूज़र बन जाते हैं, हारे हुए रहते हैं जब आप वांट में रहते हैं तभी।
पर आप जब नीड में आते हैं तो नीड में आने के बाद आप अचीवर बन जाते हैं, क्योंकि आप चाहिए चाहिए करते हैं तो आप कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पॉसिबल कर देते हैं और रियलिटी में आपके वो कार आती है, आप हैप्पी बन जाते हैं और आप एक अचीवर बन जाते हैं क्योंकि आपके पास वो कार होती है, क्योंकि आपकी वो नीड बन गई। इसलिए आपको जब भी सफलता चाहिए तो आपको वांट पे रहने से या सिर्फ चाहिए बोलने से सफलता मिलती नहीं है, वो असफलता होती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको नीड पे जाना पड़ेगा, कुछ भी करके ये मेरी ज़रूरत है और मुझे कुछ भी करके चाहिए ही चाहिए जब आप बोलते हो तो आपको वो पॉसिबल हो जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। तो सफलता और असफलता में यही फर्क है कि आप जब चाहिए बोलते हैं, वांट बोलते हैं तो आपके कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं होती, वो आप असफलता ही आपकी होती है। और जब आपको कौन सी भी चीज़ नीड होती है, ज़रूरत होती है, चाहिए चाहिए होती है, तब आप सक्सेस हो जाते हो और सफल हो जाते हो। इसलिए अगर सफल बनना है तो वांट से निकल के आपको नीड में आना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा कि कुछ भी करके मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।